दोस्तों प्रभु में लिखने के बारे में आपने नेता कितनी ही बार सुना होगा, साथ ही साथ आपने कई बार सुना भी होगा कि ये प्रोग्राम इस लैंग्वेज में लिखा गया है, ये प्रोग्राम इस लैंग्वेज में लिखा गया है। क्या आप जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और ये काम कैसे करती है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान ज्योति, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए आप सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। अब बात करते हैं यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सिंपल तरह की लैंग्वेज होती है जिसके जरिए आप नए नए प्रोग्राम लिख सकते हैं, चाहे एंड्रॉइड के लिए, विंडो के लिए, फिर iOS के लिए या फिर लिनक्स के लिए आप इससे नए नए प्रोग्राम लिख सकते हैं। बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरह की होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तीन प्रकार की होती है, पहली मशीन लैंग्वेज, दूसरी असेंबली लैंग्वेज, तीसरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तीनों का काम होता है प्रोग्राम को लिखना। जो मशीन लैंग्वेज है इसी आप आम इंसान नहीं पढ़ता, यानी कि आप इसे नहीं पढ़ सकते, और जो असेंबली लैंग्वेज है उसे लगभग पढ़ा जा सकता है, और जो हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसे इंसान आसानी से पढ़ सकता है, लिख सकता है, साथ ही साथ इसे याद भी रख सकता है। जो जितने भी प्रोग्राम है उन्हें हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ये बहुत फास्ट होता है क्योंकि आगे एक बड़ा प्रोग्राम लिखने के लिए आपको कई सारे बड़ी कोडिंग करनी होती है, इसलिए जितनी भी है उन्हें आसान बनाने के लिए इन्हें हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम लिया जाता है। अब बात करते हैं कि जो मशीन होती है वे तो हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज समझ नहीं सकती, वे तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझेगी, क्योंकि मशीन क्यों इंफॉर्मेशन आती है 010 फॉर्म में कि इस वक्त ये संदेश जाना है, इस वक्त ये, तो ये होती है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज ऊपर सकती है, इसलिए आपको हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करने के लिए आपको उसी जो जिसमें आपने प्रोग्राम लिखा है उसे आपको कंपाइल करना होगा मशीन लैंग्वेज में। जैसे आप अपने हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज को कंपाइल करते हैं वो मशीन लैंग्वेज में अपने आप चेंज होती जाती है। ये होती है लैंग्वेज। अब बात करते हैं दुनिया में कितने प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है। अगर बात करें दुनिया में लगभग 2500 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है, जिनमें सबसे मोस्ट है पास्कल, बेसिक, फोटोन, सी, सी प्लस, जावा और जावास्क्रिप्ट। ये जो हो गई आम जिन्हें आप सभी जानते ही होंगे, ये होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये कैसे काम करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।